बिनोला खल की कीमतों में वायदा कारोबार में एक बार फिर से खरीदारी लौटती हुई दिखाई दी है, लेकिन बाजार जानकार मानकर चल रहे हैं कि बिनोला खल में ये तेजी ज्यादा लंबी नहीं है। दरअसल राजस्थान और गुजरात में पशुओं को मक्के खल खिलाने का चलन बढ़ गया है, जिसका एक कारण ये भी हो सकता है कि मक्का की खल बिनोला खल के मुकाबले सस्ती है। देश में इस बार बिनोला का उत्पादन सभी उत्पादक केंद्रों पर अधिक होने का अनुमान लगाया गया है, जिसके चलते जानकार मानकर चल रहे हैं कि बिनोला खल में फिलहाल लंबी तेजी के आसार नहीं दिखाई दे रहे। प्रदेश की मंडियों में इस समय बिनोला खल के भाव 3500 से 3550 के आसपास राजस्थान की मंडियों में फिलहाल देखने को मिल रहे हैं। व्यापारियों के अनुसार कपास के इस बार बिनोला की निकासी करीब 3.5% अधिक बैठ रही है और मंडियों में कपास की गांठें भी अधिक आने की उम्मीद है। गौरतलब है कि राजस्थान और गुजरात में मक्के की खल का उपयोग फिलहाल ज्यादा होने लगा है, यही कारण है कि बिनोला खल की बिक्री पिछले कुछ दिनों में प्रभावित हुई थी। उधर वायदा बाजार में बड़े स्टोरियों ने काफी माल बेच दिया है, जो आगे चलकर डिलीवरी के लिए डिफरेंस के लिए बाजार को तोड़ सकते हैं। यही कारण है कि मंडियों में बाजार धीरे धीरे टूटने लगे थे, लेकिन अब एक बार फिर से निचले स्तरों पर खरीदारी लौट आई है। उत्पादन केंद्रों पर बिनोला खल का स्टॉक भी ज्यादा होने की खबरें निकल कर आ रही हैं। ऐसे में कुछ मंडियों के जानकारों का कहना है कि वायदा बाजार को स्टोरियां बीच बीच में तेज करने की कोशिश करेंगे, मगर बड़े स्टोरियों के माल बिके हुए हैं, लिहाजा बिनोला खल में फिलहाल लंबी तेजी की उम्मीद नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।